हम बात करेंगे फिर से ट्रैफिक के बारे में और बैकलिंक्स के बारे में। देखो इधर पे डू फॉलो बैकलिंक्स जो है वो आपकी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो डू फॉलो बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी साइट लेके आया हूँ एंड साथ में यहाँ से आपको बहुत सारा ट्रैफिक भी मिलने वाला है। एंड इधर पे बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि डू फॉलो बैकलिंक्स का रैंकिंग से हमें कुछ भी मतलब नहीं, ऐसा कुछ होता भी कि नहीं हमें पता नहीं। तो देखो गूगल के सर्च कंसोल यानी गूगल के खुद के ऑफिशियल साइट में ये लिखा हुआ है कि गूगल के जो लिंक्स होते हैं बैकलिंक्स, हाँ मतलब जो भी बैकलिंक्स होते हैं वो पेज की रैंकिंग जो होते हैं वो पास करते हैं। मतलब कोई इधर पे टॉप पे पेज रैंक हो रही है तो उसमें आपके अगर बैकलिंक पाई गई, हाँ तो आपकी पेज उधर से रैंक होना स्टार्ट होगी क्योंकि उसको थोड़े बहुत उधर से रैंकिंग पॉइंट्स मिलेंगे। खुद गूगल ने ऐसा बोला है एंड इसलिए वो लिंक स्कीम्स करके एक उनने बना के भी रखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप इररिलेवेंट लिंक्स मत बनाइए, पैसा दे के लिंक्स मत बनाइए। उससे क्या होगा कि वो लोग आपकी साइट को एक पेनल्टी में डाल देंगे जिससे आपकी साइट रैंक नहीं होगी। मतलब अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हो तो बनाओ, लेकिन इतने ज़्यादा मत बनाओ, मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो रैंकिंग को, ठीक है? तो इधर पे गूगल से बच के रहना एंड ज़्यादा बैकलिंक्स मत क्रिएट करना एक पेज के लिए, और ज़्यादा एंकर टेक्स्ट मत क्रिएट करो। मतलब अगर बैकलिंक्स बना रहे हो तो कम से कम एक पेज के लिए 5 या 6 बनाओ, या फिर अगर 100 200 भी बनाते हो तो चलेगा, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से बनाओ, रेलिवेंट तरीके से बनाओ। ऐसा नहीं कि आप सेम ही एंकर टेक्स्ट से बनाते जा रहे हो। आपको अगर बनाना है बैकलिंक्स को तो अच्छे से बनाओ, ठीक है? तो आपको सब इधर पे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि पेज रैंक देता है इधर पे बैकलिंक, और वो डू फॉलो बैकलिंक होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी रैंकिंग में हेल्प करता है, खुद गूगल ने बोला, ठीक है? तो अभी हम आज एक साइट इधर पे यूज़ करने वाले बैकलिंक के लिए। इधर पे आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, साथ में इधर पे साइट का जो ट्रैफिक होता है ठीक है वो भी मिलने वाला है। तो ये साइट जो है आप देख सकते हो ये लेनोवा का साइट है एंड बहुत बड़ी कंपनी है लेनोवा एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये साइट कुछ ऐसी रहती है, इसका एक फोरम है, कम्युनिटी फोरम है जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं एंड यहाँ पे लोग रिप्लाई करके आंसर करते हैं। तो आपको भी सेम इधर पे जाना है एंड आपका जो जीमेल रहता है या फिर कुछ भी रहता है उससे लॉग इन कर लो इसमें, ठीक है? इसमें अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल रहता है। आपको बस सिंपली इस फोरम में आना है एंड क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं आपके पोस्ट से रिलेटेड, और उधर पे आपको ऐसे थोड़ा बहुत जो होता है न्यू रिप्लाई करके ऐड कर दो। फिर उधर पे बस आपको जाना है, थोड़ा बहुत लिखना है एंड बस आंसर कर दो, ठीक है? इधर सबसे पहले तो अपनी आईडी जो होती है वो क्रिएट कर लो एंड एकदम पूरा सब कुछ सिंपल रहता है। आपको उस रिप्लाई में दबाना है एंड उधर पे एक डू फॉलो बैकलिंक को क्रिएट करना है। इधर पे देखो ना लोग आंसर कर रहे हैं, आपकी भी आंसर सेम ऐसी ही रहने वाली है, बस आप इधर पे अपनी एक बैकलिंक लगा दो, रीड मोर या फिर कुछ भी ऐसे लगा दो, ठीक है? तो इधर पे आपकी अच्छी खासी बैकलिंक बनने वाली है। आप अगर बैकलिंक्स को अच्छी बड़ी बड़ी वेबसाइट से बनाते हो तो आपकी रैंकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुश होती है एंड साथ में आपको ट्रैफिक भी मिलता है, और आपकी साइट की जो डोमेन की अथॉरिटी होती है, पेज की अथॉरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप एक अच्छी साइट को यूज़ करते हो। तो इधर पे लेनोवा साइट जो है ये बहुत ही अच्छी साइट है, इसको आज से शुरू करना कर दो, ठीक है? अभी इस साइट को अच्छे से यूज़ करो क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक जो होते हो आपकी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इधर पर पुश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा खुद गूगल ऐसा कहता है, ठीक है? तो आपको इधर पे लिंक्स पे काम करना है अपने डू फॉलो बैकलिंक्स पे, ठीक है? और ये साइट को यूज़ करो, ये साइट आपको जो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंकर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा सेम वाला यूज़ मत करो, जैसे कि आप इधर पे कुछ भी लिख रहे हो जैसे कि हाउ टू सेट न्यू रिंगटोन इन लेनोवा K8 Plus मोबाइल, तो एक बार एंकर टेक्स्ट वो यूज़ करो, एक और बार किसी और कीवर्ड के साथ एंकर टेक्स्ट यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप सेम वाले को ना 10 20 बार 30 बार 50 बार कर दोगे, एंकर टेक्स्ट को बार बार सेम करने से क्या होगा कि आपको एक पेनल्टी पड़ जाएगी। मतलब एंकर टेक्स्ट को आप जो है एक दो बार लगाओ सेम वाले एंड उसके बाद चेंजेस करो उसमें थोड़े बहुत, और फिर रीड मोर को आप कितने भी यार यूज़ कर सकते हो तो वो तो सिंपल ही रहता है। एंड ऐसे करके आपको काम करना है, बैकलिंक बनाना है। बड़ी बड़ी साइट पे बनाओ, छोटी साइट पे मत बनाओ क्योंकि उधर पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बड़ी साइट पे बनाओ तो उससे क्या होता है आपकी रैंकिंग पुश होती है एंड साथ में डोमेन की अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, और क्योंकि इधर से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलने वाला है तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो पुश होगी होगी एंड साथ में आपकी साइट जो जल्दी रैंक करना स्टार्ट होगी। जैसे कि इधर पे आपने आज एक बैकलिंक बनाया फर्स्ट पेज पे, ठीक है, जो ऑलरेडी रैंक हो रहा है, तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो विद इन 2 डेज के अंदर 4th पेज पे आ जाएगी। ऐसा मैंने खुद करके देखा है एंड मेरे केस स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप फर्स्ट पेज के किसी भी एक ना आर्टिकल का इधर पे बैकलिंक पा लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट की वो आर्टिकल होती है नई वाली वो विद इन 2 डेज रैंक हो जाती है 4th या 3rd पेज पे, एंड उसके बाद उधर से इंप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर वो फर्स्ट पेज पे आ जाती है 1 मंथ के अंदर। तो मतलब बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैंने खुद ये करके देख लिया।
तो बैकलिंग्स के ऊपर ध्यान दो। एंड बैकलिंग्स के बारे में इसलिए इतनी ज़्यादा लोग बात करते हैं क्योंकि बैकलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खुद गूगल ऐसा कहता है, ठीक है। तो डू फॉलो बैकलिंक्स बनाओ एंड इधर से ट्रैफिक जनरेट करो। आज हमने एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में बात किया है जो है लेनोवा की फोराम, ठीक है। आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना है एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम और भी वीडियोस ऐसी लाने वाले हैं डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर एंड साथ में ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स के ऊपर। मैं ऐसी और भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स को जो है रिवील करूँगा। एंड ज़्यादा बड़ी लिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके 25,000 सब्सक्राइब पे पहुँचा दो मार्च के अंदर अंदर, ठीक है। क्योंकि नई नई साइट्स में लाने वाला हूँ एंड जैसे ही 25,000 सब्सक्राइब पूरे होते हैं मैं विद इन वन डे 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स को जो है रिवील कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, SEO से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक।